हेलो। तो नेवर बिफोर बजट में क्या कुछ खास रहा? बातें हो रही थी बहुत सारी। पेपरलेस बजट पहला था और इस समय पूरे देश की नगाह इस पर टिकी हुई थी। तो इस बजट को हम डिकोड कर रहे हैं दो खास मेहमानों के साथ जो अपने अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनसे ही हम समझते हैं कि जो अनाउंसमेंट्स हुए बजट में वो किस तरह का असर डालेंगे आगे जाकर। तो मेरे साथ है सुनील सुब्रमण्यम, MD और CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के, साथ ही में लक्ष्मी अय्यर, CIO डेट कोटक AMC। थैंक यू सो मच, आप दोनों का ही मनी नाइन में स्वागत है आपका। सुनील सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बाजार जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, जिन लेवल्स पर नजर आ रहे हैं, इंफ्रा हेल्थ और आपका तो बहुत ही पसंदीदा इंफ्रा सेक्टर रहा था, और अब आप बजट अनाउंसमेंट के बाद क्या कैसे आप देख रहे हैं इस बजट को? क्या व्यू आपका बन रहा है इस बजट पर? मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कि एक चीज है प्रैग्मेटिज्म, दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। मैं क्या मीन कर रहा हूँ कि देखिए, कोविड के टाइम में, महामारी के टाइम में हालत बहुत खराब थी, राइट? तो क्या था कि वो सब अक्नॉलेज किया, 9.5% का एग्जिस्टिंग फिस्कल डेफिसिट लेकर आने वाले बजट में उन्होंने कुछ कमी नहीं की खर्चा में, खास करके क्वालिटी ऑफ द खर्चा, यानी 35% इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है, यानी सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसे बंटवारा नहीं कर रहे हैं पैसे को रेवेन्यू कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, मगर इंफ्रा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सेकंड, बैंकिंग सेक्टर को बहुत ध्यान दिया है, दो PSU बैंक्स को, फिर इंश्योरेंस में भी प्राइवेटाइज करने का, फिर FDI इंश्योरेंस में लाने का, फिर बैंक्स में बैड बैंक बनाने का। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल एक रिफॉर्म्स पैकेज की तरह, और कुछ 20,000 रिकैपिटलाइजेशन, तो उन्होंने सभी सेक्टर में एक टाइम ऑफ पॉसिटी, यानी पैसा ज्यादा हाथ में नहीं है, फिर भी सही इस्तेमाल किया। सेकंड चीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत बढ़ाया, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सपोर्ट दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा हो रहा है वो भी देखिए, हेल्थ केयर इंफ्रा, अग्री इंफ्रा, रोड्स, रेलवेज, तो यहाँ से क्या होता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और साथ में आत्मनिर्भर जो अपना अफोर्डेबल हाउसिंग, अदर हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो ओवरऑल समझिए कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक मिड एंड स्मॉल कैप्स सप्लायर्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, स्टील, इन सब के लिए एक बहुत बढ़िया बजट निकला, इसलिए मार्केट ने भी इसको थम्स अप दिया है। बिल्कुल, एक मल्टीप्लायर बजट जो सुनील जी कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सरकार दिखा रही है कि उसका इंटेंट है कि वो खर्चा करेगी, वो फिस्कल डेफिसिट जैसे नंबरों से नहीं डर रही है, वो खर्चा करेगी। हाय लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। योर फर्स्ट थॉट ऑन दिस बजट, आपको कैसा लगा ये बजट? हाय, गुड आफ्टरनून। सो आई थिंक बजट हैज बीन अ फेयरली प्रैग्मेटिक वन, उसमें कोई डाउट नहीं है माइंड में। इनफैक्ट काफी लोगों की उम्मीद थी कि शायद टैक्सेशन में कोई बदलाव आएगा, तो वहां पे भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो काफी एक पॉजिटिव सा जो माहौल बना हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ाया है, जिसके तहत ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट को बढ़ना था। लेकिन वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, जो FCI है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो फर्टिलाइजर बॉन्ड्स थे जो बैलेंस शीट के बाहर, जिसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, उनको उन्होंने बजट की यानी बैलेंस शीट के अंदर ले लिया है, जिसकी वजह से ये नंबर जो है फिस्कल डेफिसिट का वो शायद थोड़ा ऊपर दिख रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल प्रैग्मेटिज्म काफी हद तक उन्होंने दिखाई है। बॉन्ड मार्केट अगर हम बात करें तो हमने देखा इनिशियली हल्की निराशा, थोड़ी बहुत नाराजगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में काफी सारा ओवरशूट देखने को मिला है। 6.8% ऑफ GDP का नंबर दिखाया उन्होंने फिस्कल डेफिसिट का, बट एज आई सेड ये ऑफ बैलेंस शीट को गिनते हुए अगर है तो जो टोटल बोरिंग शायद उतना हानिकारक नहीं रहेगा। इस पे जैसे और थोड़ा खुलासा आएगा तो हमें लगता है बाजार थोड़ा संभल सकता है। एक लक्ष्मी, एक इंफ्रा डेट फंड की बात इस बजट में आ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसको इसके पीछे जो सोच रही है, आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में कदम हो सकता है? जी एब्सोल्युटली, एकदम सही दिशा में उनका प्रोग्रेशन चल रहा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर आप केपेक्स की बात करो
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की अगर हम बात करें तो लंबे अवधि के बॉन्ड्स की बहुत जरूरत है, यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। और आज की तारीख में अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करें तो एपेटाइट जो है वो एकदम शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन की बॉन्ड्स की है। तो इन फंडिंग या फाइनेंसिंग कहाँ से मिलेगा? अगर आपको केपेक्स की तरफ बढ़ावा करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स और उसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उन पे फोकस करना बहुत जरूरी था। सो आई थिंक इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हालांकि इमीडिएटली आपको शायद कोई बाजार पे फोकस या इमीडिएट इंपैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सर्टेनली ये काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। सुनील जी, आपको क्या लगता है, एक ऐसे ही बजट की जरूरत थी? सारे बॉक्सेस में आप टिक लगाएंगे इसमें, लेकिन अगर बात करें टैक्स पेयर्स की, डायरेक्ट टैक्सेस की, वहां पर हमने कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी। देखिए, जब दिक्कतें आती है तब आप गवर्नमेंट की इनकम को और गिरा नहीं सकते ना। कुछ भी टैक्स में राहत दिया तो गवर्नमेंट का इनकम गिर जाएगा। तो ये एक आशा जो थी लोगों के मन में, ये गलत आशा थी, क्योंकि जब टाइम्स आर टफ नो, हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो बिल्कुल उनको डायरेक्ट टैक्सेस में या कुछ कटौती करने का रूम नहीं था और उन्होंने स्टेबल रखा, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे लक्ष्मी ने कहा कि मार्केट में एक डर था कि शायद टैक्सेस को बढ़ाएंगे, एक कोविड सेस लगाएंगे, और जैसे उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया था, एक रिलीफ की रैली भी आ रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत उन्होंने सामने से जो रेटिंग एजेंसीज का डर है ना मन में कि 4% फिस्कल डेफिसिट के जरिए हम करीबन 7% के नजदीक से कह रहे हैं, तो वो एक करेज चाहिए ऐसी डिसीजन लेने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने लिया इस करेज, और इस पे आपने अगर टैक्स की कटौती की तो 6.8 समझिए 7.5 तक जा सकता था। ये सही मौका नहीं है ऐसा करने का। तो मैं समझता हूँ पहली लाइन में कि बहुत ही प्रूडेंट जो था, प्रूडेंट कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है। तो अब क्योंकि आप दोनों ऐसे नाम हैं, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी वो कौन से अब सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि उन सेक्टर्स पर नजरें रहनी चाहिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है, नया निवेश की शुरुआत कर रहा है। सुनील जी, क्या मैं आपसे शुरुआत कर सकती हूँ? कौन से वो सेक्टर्स हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोगों को कहेंगे कि हाँ इन सेक्टर्स पर नजरें रहनी चाहिए? मेरे ख्याल में दो सेक्टर्स है, एक है BFSI, जहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सब जुड़ते हैं, वो एक सेक्टर है। सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर ये दो सेक्टर्स मैं कहूंगा कि बजट में बहुत बूस्ट मिला है और अगले 3 से 5 साल में मेरे को बहुत से यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो दिख सकता है, तो ये दोनों सेक्टर भी आप शामिल कीजिए। और उनके अंदर सब सेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बैंक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक है, PSU बैंक है, NBFCs है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस है, तो एक ब्रॉडर सेगमेंट मैंने बताया। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट है, स्टील है, UPC कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो बहुत ऐसे सब सेक्टर्स होते हैं। बट ब्रॉड मेगा सेक्टर आप ये दोनों हाथ में लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया आपको एक वेल्थ क्रिएशन जो कहते हैं हो सकता है अगले मीडियम टर्म में। ओके, थैंक यू। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुनील सर का बहुत ही फेवरेट सेक्टर भी रहा है। लक्ष्मी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू इन हियर, आपके हिसाब से वो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई इन्वेस्टमेंट बिगिन कर रहा है तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, इस बजट को अगर हम एकदम बैकग्राउंड में रखें, बजट को एक प्रिमाइस रखें तो? आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देखा होगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को करने के लिए देयर इज अ प्रपोजल टू बाय अबाउ इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, उसके लिए एक फंड सेटअप किया जाएगा। सो टू माय माइंड ये जो स्प्रेड कंप्रेशन, जो AAA बॉन्ड और नॉन AAA बॉन्ड, ये जो क्रेडिट का एक सेक्टर है, ये हमको कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के हिसाब से अच्छा लग रहा है। 2021 में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे स्प्रेड कंप्रेशन की उम्मीद की जा सकती है, तो इस वजह से जो नॉन AAA बॉन्ड्स है या फिर बैंकिंग के परपेचुअल बॉन्ड्स वगैरह जो है, जहाँ पे यील्ड थोड़े अभी भी ऊपर की तरफ है, वहां पे इन्वेस्टर का रुझान शायद आ सकता है, तो वो क्षेत्र में हमारा थोड़ा बायस या पॉजिटिव बायस रहेगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, लक्ष्मी थैंक यू सो मच, सुनील जी थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक ऐसा बजट है जो कंजम्पशन को आगे बढ़ाएगा, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला बजट है, जो डर नहीं रहा है और आगे इसी तरह से इकोनॉमी का पहिया जो है घूमेगा। तो दीजिए इजाजत, लेकिन मनी नाइन में दिन भर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे एक्सपर्ट्स जो डीकोड करेंगे बजट आपके लिए। तो मनी नाइन लाइव देखते रहिए। थैंक यू।
मैम अभी आपका नेक्स्ट भी है तो आप अपने पास रख लो, कोई बात नहीं है। अभी इसके बाद एक और है, मेरे मेरे बाद एक और है। हाँ देखिए आप उसमें है।